अब सेवेंथ हाउस की बात करें, सेवेंथ हाउस की जब बात करेंगे क्या लिखा है, घर ससुराल शुक्र को मंदा बर्बाद केतु ख्वा होता हो, यानी कि यहां पर जब ये युति सूर्य और बुध की होगी सेवेंथ हाउस में, सातवां घर किसका है, तुला राशि, सूर्य यहां पर आकर नीच के हो जाते हैं और इनके शत्रु ग्रह शुक्र का घर है, तो यहां पर सूर्य क्योंकि बुध के साथ बैठ के स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं, उच्च का फली देते हैं, तो सूर्य स्ट्रॉन्ग होंगे तो शुक्र को बर्बाद करेंगे। अब कुंडली में शुक्र कहीं भी हो, यहां पर शुक्र के फल को ये बर्बाद करेंगे। अब ऐसे में क्या लिखा है, घर ससुराल क्योंकि सेकंड हाउस, सेकंड हाउस किसका है, शुक्र का, सातवां घर किसका है, शुक्र का, वृषभ राशि तुला राशि, तो वृष दूसरा घर किसका है, ससुराल का घर, यानी कि ससुराल को बर्बाद करेंगे, साथ ही केतु का फल खराब करेंगे। केतु क्या है, औलाद, औलाद के तकाजे होंगे, तो घर ससुराल शुक्र को बंदा बर्बाद केतु ख्वा होता हो, फौवारा दौलत का इतना उठता सैराब जंगल को करता हो, ओमिस पहाड़, यानी कि यहां पर बेशक ये शुक्र के फल को खराब करेंगे, ससुराल को बर्बाद करेंगे, केतु को मंदा करेंगे, मगर ऐसा व्यक्ति धन दौलत के मामले में बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा, यानी कि पैसे की कोई कमी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होगी, पैसे यहां पर बैठकर ये बहुत ज्यादा देंगे व्यक्ति को। अब औरत की किस्मत का असर टेवे में शुक्र की हालत पे होगा। अब यहां पर जब ये युति सेवेंथ हाउस में होगी, शुक्र कुंडली में कहीं भी है, अगर शुक्र अच्छी कंडीशन में है, माने शुक्र 12वें घर में है, 10वें घर में है, 11th हाउस में, कहीं भी है, शुभ हालात में है, तो शुक्र के हम कुंडली के 12 ही घरों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो अगर आपके सूर्य बुध की युति सेवेंथ हाउस में है, तो आपने अपने शुक्र को चेक करना है कि शुक्र कुंडली के किस हाउस में है, और उस हाउस की वीडियो में जाके ये चेक करना है कि वो शुभ हालात में है या अशुभ हालात में है। अगर शुभ हालात में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अशुभ हालात में है तो जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है उसको फॉलो करके उसे ठीक कर लेना है। तो यहां पर औरत की किस्मत, यानी कि औरत का जो सुख का फैसला है, किस्मत का फैसला है, वो टेवे में शुक्र की हालत पे होगा। औरत अमीर खानदान से होगी, ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी है वो निश्चित तौर पर एक अमीर खानदान से होगी और सूरज की तरह उत्तम व मुकम्मल होगी, बहुत अच्छी नेक दिल और साफ रंग की होगी, बचपन में बुढ़ापा ऐसे व्यक्ति का अच्छा ही व्यतीत होगा, इल्म ज्योतिष का सुफल होगा, ऐसा व्यक्ति ज्योतिष के अंदर रुचि रखने वाला होगा जिसका उसे काफी ज्यादा सुफल प्राप्त होगा, यानी कि वो इस विद्या के द्वारा अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है। शुक्र अच्छा तो आमदनी बहुत होगी, अगर शुक्र भी कुंडली में अच्छा हो तो यहाँ पर उसकी जो कमाई है वो कई गुना बढ़ जाएगी। सेवेंथ हाउस बैड कंडीशन में, बैड कंडीशन में कब होगा, जब कुंडली में शुक्र कहीं भी हो और अशुभ हालात में हो, या फर्स्ट हाउस के अंदर पापी ग्रह बैठे हुए हो, तब तब क्या है, शुक्र मंदा तो शुक्र का फल केतु मंदा, शुक्र क्या है, पत्नी, पत्नी से क्या होती है, औलाद, तो शुक्र का फल क्या हुआ, केतु, केतु क्या, औलाद का कारक, तो यहां पर शुक्र मंदा तो शुक्र का फल केतु मंदा, और औरत भी खुद इतनी सुख ना पावे, ससुराल बर्बाद या औलाद की उम्र के तकाजे होंगे क्योंकि केतु का असर यहां पर अशुभ हो जाएगा। दूसरा यहां पर एक चीज और कि जब सूर्य बुध की युति कुंडली में कहीं भी होगी, तब ऐसे में आपको जब मंगल बध का टॉपिक कराया गया था तो वहां पे जानकारी दी थी, मंगल बध मीन्स मंगल बुरा, मंगल बध का टॉपिक जब कराया गया था जानकारी दी गई थी कि सूर्य बुध कुंडली में कहीं भी हो यहां पर मंगल अब शुभ फल देगा, यानी कि मंगल लेख होगा। ये मस्नूई प्लैनेट का जो टॉपिक कराया था कि दो प्लैनेट मिलके एक नए प्लैनेट को क्रिएट करते हैं, तो वो क्या है, सूर्य प्लस बुध इज इक्वल टू मंगल शुभ, मंगल ले, तो यहां पर कुंडली के अंदर मंगल भी अब शुभ फल देने वाला होगा। मगर यहाँ पे ये भी चेक करना है कि सूर्य बुध की युति भी है मगर कोई और कॉम्बिनेशन ना बन रहा हो जिसके कारण मंगल बुध का रूल अप्लाई हो रहा हो, तब ऐसी कंडीशन में आपको मिले जुले असर देखने को मिलेंगे। अब आठवें घर की बात करें तो आठवें घर के अंदर बुध को अच्छा नहीं माना गया है, जैसा कि बुध के टॉपिक में बताया था कि 3, 8, 9, 12 में बुध को सर्वाधिक खराब माना गया है, मगर सूर्य के साथ अगर इसकी युति आठवें घर में है
सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन आठवें घर में है, तब क्या लिखा है, बुध असरदे हरदम उम्दा खाली पड़ा जब दूजा हो, यानी कि जब ये युति आठवें घर में हो, सेकंड हाउस के अंदर कोई भी प्लैनेट ना हो, खाली हो, तब यहाँ पर ये युति काफी ज्यादा शुभ फल देगी। बुध का फल भी आपको शुभ देखने को मिलेगा, बुध का फल शुभ होगा तो ऐसा व्यक्ति व्यापार आदि के अंदर काम धंधे में यानी कि व्यवसाय के अंदर एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है, व्यापार में सफल होगा। बैड कंडीशन कब होगी, अब ये बैठे कहाँ हैं, ये बैठे हैं आठवें घर में, यानी कि आठ नंबर की राशि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पर आठ नंबर की राशि आती है वृश्चिक राशि, इसके मालिक कौन है, मंगल। अब इस घर का मालिक अगर अशुभ हालात में हो, अशुभ हालात में कब होगा, जब कुंडली में मंगल कहीं भी हो और कुंडली के अंदर मंगल बद की कंडीशन अप्लाई हो रही हो, तो इसलिए बार बार आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि सबसे पहले आप कुंडली के अंदर मंगल को चेक कीजिए, मंगल बद को चेक कीजिए, मंगल बद की वीडियो में जाके प्रॉपर वहां पे सारी फुल डिटेल इंफॉर्मेशन आपको शेयर की गई है, जिससे जाकर आप इजीली समझ जाएंगे कि आपकी कुंडली में मंगल बद की कंडीशन अप्लाई तो नहीं हो रही है। वहां पे लक्षणी बताए गए हैं कि मंगल आप कुंडली में शुभ है या अशुभ है। मंगल अगर शुभ होगा तो बहुत अच्छा, मंगल अगर अशुभ होगा तो ऐसे में घर गृहस्थी सब कुछ बर्बाद और खुशी का माहौल त्योहार इत्यादि पे ऐसे व्यक्ति झगड़ा करता होगा, तो यहाँ पर ये माहौल खराब करने वाला ही रहता है। तो यहाँ पर इस घर के मालिक मंगल को चेक करना है, मंगल अगर कुंडली के अंदर कहीं भी है, मंगल बदी कंडीशन बनी हुई है, तब क्या लिखा है, खा नंबर दो के ग्रह बर्बाद होंगे। अब नंबर दो में कोई भी ग्रह हो, कोई भी प्लैनेट यहाँ पे हो, सूर्य और बुध खुद भी अशुभ हालात में आ जाएंगे, इनकी अशुभ दृष्टि कहाँ जाएगी, सेकंड हाउस पे, सेकंड हाउस के प्लैनेट जो हैं अब वो बर्बाद हो जाएंगे। यानी कि चंद्र है तो माता को कष्ट, क्योंकि चंद्रमा क्या है, माता का कारक, साथ ही मन परेशान, मन में दुविधा, साथ ही लिक्विड कैश की प्रॉब्लम और तालीम में रुकावट, तो यहाँ पर इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। जो भी प्लैनेट होगा उसी प्लैनेट के फल खराब होंगे। तो यहाँ पर अगर मंगल बद है तब खान नंबर दो के ग्रह बर्बाद होंगे। बुध की आशा कारोबार, अब बुध की आशा कारोबार, ये बुध के टॉपिक में काफी डिटेल में बात करी थी कि बुध से संबंधित कारोबार कौन कौन से हैं, इसके अलावा बुध के रिश्तेदार कौन से, बहन बेटी बुआ फूफी मौसी के हालात मंदे ही होंगे, बद चलन होगा, यानी कि चाल चलन का ऐसा व्यक्ति ठीक नहीं होगा, और ये भी हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति की लड़ाई झगड़े या मैदान जंग में मृत्यु हो जाए। यहाँ पर ये कंडीशन काफी ज्यादा अशुभ हो जाएगी अगर सूर्य बुध की युति बनी हुई है। अब ऐसे में करना क्या है, एक तो मंगल बद अगर कुंडली बना हुआ है तो मंगल बद की रेमेडी कर लेनी है, जो मंगल बद की वीडियो में बताई गई है, उसमें काफी सारी रेमेडीज बताई थी, उन सभी रेमेडीज को कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉलो करके आपने मंगल को सबसे पहले ठीक कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सूर्य और बुध की शुभफल प्राप्त करने के लिए शीशे के बर्तन में गुड़ भरकर उसे बंद कर लें और शमशान भूमि के अंदर गड्ढा खोद के दबा दें। ये आप बुधवार के दिन कर सकते हैं, दिन के समय करना है, यानी कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले कर लेना है। ऐसे में क्या होगा कि इस युति का जो अशुभ फल है, अब ये दोनों प्लैनेट अब शुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। बुध का अपना शुभ फल, अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करता है और व्यापार में दिक्कत आ रही है और सूर्य बुध एट हाउस में है, तो यानी कि बुध जो है दिक्कत दे रहा है और साथ ही सरकार से किसी न किसी प्रकार की समस्या पैदा हो रही है, तो सूर्य का फल भी अशुभ प्राप्त हो रहा है। तो आप लक्षणों के आधार पर भी एनालाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये रेमेडी करने से निश्चित तौर पर आपको इनके शुभ फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। अब नाइन्थ हाउस की बात करते हैं। नाइन्थ हाउस जो हमारी किस्मत का घर है, भाग्य भाव, यहाँ पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नौ नंबर की राशि आती है। इस घर के स्वामी कौन है, बृहस्पति देव, क्योंकि धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव को बताया गया है। तो यहाँ पर जब ये युति होगी तो यहाँ पर सूर्य बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाले कहे गए हैं, तो यहाँ पर ये युति काफी ज्यादा शुभ फल देने वाली बताई गई है। तो क्या कहा गया है, वास्ते राज दरबार, यानी कि सरकार और तालीमी ताल्लुक दोनों ग्रह का 24 साल, यानी कि सरकार और तालीम पढ़ाई के संबंध में 24 साल उम्र से
यहाँ पर शुभ समय प्रारंभ हो जाएगा और 34 साल उम्र से और भी तरक्की पर होगा। लड़की की पैदाइश से फलों में और भी ज्यादा शुभ फल देखने को मिलेंगे, यानी कि लड़की की पैदाइश ऐसे व्यक्ति के यहाँ काफी ज्यादा शुभ फल देने वाली कही गई है, और ऐसे में लड़की रविवार या मंगलवार को हो जाए तो और भी ज्यादा शुभ फल देखने को मिलेंगे। बैड कंडीशन, अब बैड कंडीशन कब होगी? जब बुध बंदा हो। अब अगर कुंडली में बुध खराब कंडीशन में हो, अब खराब कंडीशन में कब होगा? जब बुध के मसनूही प्लैनेट बृहस्पति और राहु, अब मसनूही प्लैनेट का जो टॉपिक है वो अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि हमें फाइनली करना क्या है, हमें अपनी हॉरोस्कोप को क्या करना है, उसमें ये तो चेक करना होता है कि कौन से प्लैनेट गुड हैं और कौन से बैड हैं। अब जो प्लैनेट बैड हैं तो वो क्यों हैं? अब मान लिया बुध कुंडली के अंदर किसी हाउस में, सिक्स हाउस में कुछ का दिख रहा है, मगर उसके मसनूही प्लैनेट राहु और बृहस्पति, ये मसनूही प्लैनेट का जो टॉपिक है ये ग्रामर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्टिंग की वीडियोस में जाके आप समझ सकते हैं, वहां पे पूरा बाकायदा चार्ट दे रखा है कि कौन कौन से प्लैनेट को मिलके आपका कौन सा प्लैनेट क्रिएट होता है। तो यहाँ पर बृहस्पति राहु का जो टॉपिक कराया था वहां भी जानकारी दी थी, साथ ही जैसे सूर्य और बुध मिलके क्या बनते हैं, मंगल लेख, और सूर्य और शनिचर मिलके मंगल बध, तो सूर्य शनि की युति मंगल बध बनाती है और सूर्य बुध की युति मंगल को शुभ बनाती है। तो इसी तरह बृहस्पति राहु जो बुध के मसनूही प्लैनेट हैं, अब बैठे ही बुध कहाँ पे है, नाइन्थ हाउस में, वो अगर दोनों अशुभ हालात में हो तब यहाँ पर बुध मंदा हो जाएगा। इसके अलावा बुध को आप खुद ही मंदा कर लें। अब कैसे मंदा कर लें? अपनी बहन बेटी बुआ मौसी जो बुध की कारक चीजें बताई गई हैं, बुध के टॉपिक में जाके आप पूरा विस्तार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बुध को आप मंदा कर लें, यानी कि उनसे लड़ाई झगड़ा करके उन्हें परेशान करके। इसके अलावा आप नॉनवेज में भी जो चिकन खाने के शौकीन होते हैं वो अपने बुध को खराब कर देते हैं, क्योंकि बुध क्या है, पक्षियों के कारक। बुध कहते हैं पक्षियों की सेवा कीजिए, और आपने उन्हीं पक्षियों को मार के, क्योंकि चिकन जो बर्ड है वो चिकन क्या है, एक बर्ड ही तो है, तो आपने उसे मार के खा लिया, तो यहाँ पर आपने बुध को खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के अंदर धीरे 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 गिरावट आएगी, क्योंकि बुध को आप खुद ही मंदा कर रहे हैं। तो जब बुध मंदा होगा तो बुध क्या है, हमारे दांतों का कारक, बहन बेटी बुआ का कारक, हमारे शरीर में नसों का कारक, शरीर की नसों में किसी न किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होना। अब नसें तो हमारे सर से लेकर पैर तक सभी जगह है, तो किसी पार्ट में आ सकती है, डिपेंड करता है कि साथ में दूसरा और कौन सा प्लैनेट आपको अशुभ फल देने वाला है, डिपेंड करता है उस पे कि कौन से पार्ट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर जब बुध मंदा हो या कर लिया जाए तो 17 से 27 साल उम्र तक का समय अशुभ फल देने वाला कहा गया है, यानी एक लाना थर्टी, यानी कि एक मुसीबत हटी तो दूसरी खड़ी दिखाई देगी ऐसे व्यक्ति के जीवन में। लड़के के टेवे में, अब ये युति अगर लड़के के टेवे में बनी हुई है तब बात हो रही है, तो नर औलाद लड़के की पैदाइश सामान्यतः 34 साल की उम्र के बाद ही देखने को मिलती है। तो यहां पर लड़के की पैदाइश में देरी देखने को मिल सकती है। मंदे वक्त, अब जब ये मंदा समय जो काफी ज्यादा बुरा फल देगा चल रहा हो तो करना क्या है, सूर्य और मंगल को शुभ कर लेना है। अब सूर्य मंगल यानी कि सूर्य नाइन्थ हाउस की जो रेमेडी बताई गई है उसको फॉलो करके, इसके अलावा मंगल बध के समय जो रेमेडी बताई गई है उन्हें फॉलो करके, या आपका मंगल कुंडली के जिस भी हाउस में है उस हाउस की वीडियो में जाके चेक कर लें कि आपके मंगल के लिए क्या प्रिकॉशन और क्या रेमेडी बताई गई है, तो उनको फॉलो करके। सामान्यतः मंगल हमारे भाई का कारक है, हमारे रिश्तेदार हैं, मंगल क्या है, समाज हमारे रिलेशन है। तो यहाँ पर आदमी अपने व्यवहार से व्यवहार ठीक रखे, मीठा बोले, मीठा खाए, लोगों को मीठा बांटे, तो यहाँ पे मंगल को आप शुभ कर लेते हैं, पक्षियों को मीठा डालें, मंगलवार को प्रसाद चढ़ा के आए, प्रसाद का कुछ हिस्सा मंदिर में दे के आए और कुछ हिस्सा लोगों में बांट के आए, तो ये आपके मंगल को ग्रेजुअली ठीक करता चला जाएगा। तो यहाँ पर
मंगल और सूर्य है, सूर्य को ठीक करने के लिए एक बहुत सिंपल से रेमेडी है, सूर्य कुंडली में कहीं भी कैसा हो उसको मेंटेन रखने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा मीठा खाएं और 2 घूंट पानी पी के घर से बाहर निकला करें, तो सूर्य कुंडली के अंदर कभी भी अशुभ फल नहीं देगा। भूरी चींटियों को मीठा डालना, आटा में थोड़ी चीनी इत्यादि मिला के या शक्कर इत्यादि मिला के रोजाना डाला कीजिए, तो सूर्य कुंडली में कहीं भी हो कैसे भी हो कभी अशुभ फल नहीं देगा। तो यहाँ पर सूर्य और मंगल को शुभ कर लेने से जो यहाँ पर बैड इफेक्ट बताए गए हैं अगर वो देखने को मिल रहे हैं तो उनमें आपको निश्चित तौर पर लाभ होता दिखाई देगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के अगर रविवार या मंगलवार को लड़की की पैदाइश हो जाए तो यहाँ पर फिर किसी तरह की रेमेडी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी परिस्थितियां अपने आप ही ठीक होती चली जाएंगी। यानी कि सूर्य बुध की युति जब होगी तो ऐसे में लड़की की पैदाइश बहुत ज्यादा शुभ फल देने वाली कही गई है। अब दसवें घर की बात करें, दसवां घर किसका है? शनि का। अब दसवें घर काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 10 नंबर की राशि आती है मकर राशि, इसलिए शनि का घर है। अब शनि के घर में ये युति किस तरह का फल देगी, क्योंकि सूर्य क्या है, शनि के कट्टर शत्रु, मगर बुध साथ में है। जब बुध साथ में होंगे तो वो शनि और सूर्य की शत्रुता नहीं होने देंगे, क्योंकि जब दो ग्रह आपस में शत्रु हों और उनके बीच में एक ऐसा ग्रह आके बैठ जाए जो दोनों का ही मित्र हो तो वो उनकी शत्रुता नहीं होने देता, उनमें आपस में समझौता करा देता है। इसी वजह से जब ये युति दसवें घर में होगी और ऐसे में क्या चेक करना है, इस घर के कारक और मालिक शनि देव कुंडली में अगर शुभ कंडीशन में है, जहां भी बैठे हो अच्छी कंडीशन में हो, तब ऐसे में ये युति बहुत ही ज्यादा शुभ फल देगी। क्या लिखा है? दौलतमंद ज्यादा होगा, दौलतमंद तो होगा ही पर ज्यादा होगा। शनि सूर्य बुध तीनों का ही शुभ फल होगा। अब शनि क्या है? कामधंधे कारक, आमदनी भाव के कारक, साथ ही सूर्य क्या है? हमारे शरीर के कारक, सरकार के कारक, हमारे नाम के कारक, फेम के कारक। बुध क्या है? व्यापार के कारक। तो ऐसे व्यक्ति अगर सरकार से जुड़कर कोई व्यापार करे तो बहुत ज्यादा नाम कमा सकता है। तो कई बार लोग व्यापार के अंदर ही बहुत बड़ा नाम कमाते हैं, तो ये इस तरह की ही युति के फल देखने को मिलते हैं। अब खान नंबर 1 व 2 के घरों पर किस्मत का फैसला होगा, यानी सूर्य बुध की युति जब यहाँ पे होगी तो खान नंबर 1 और 2 के अंदर अगर सूर्य के मित्र ग्रह बैठे हैं तो बहुत ज्यादा शुभ फल। अगर इनके शत्रु ग्रह बैठे हैं राहु केतु शुक्र इत्यादि, तो यहाँ पर अशुभ फल देखने को मिलेंगे। मगर खंड नंबर 1 और 2 दोनों अगर खाली हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा शुभ फल ही देखने को मिलेंगे। बैड, अब यहाँ पर दसवें घर के अंदर अशुभ हालात कब होंगी? जब इस घर का मालिक कौन? शनि देव, वो आपका कुंडली के अंदर कहीं भी हो मगर अच्छी कंडीशन में ना हो। अब अगर आपके सूर्य और बुध यहाँ पे बैठे हैं दसवें घर में, तो आपने सबसे पहले किसे चेक करना है? शनि को, कि शनि आपका कुंडली में कहाँ पे है, और शनि कहीं भी है, शुभ हालात में है अशुभ हालात में, उसकी कंडीशन चेक करके सबसे पहले उसे ठीक कर लेना है। क्योंकि कई बार हम लोग करते क्या है कि हमें यही समझ में आता कि रेमेडी करनी किसकी है। अब सूर्य बुध देख लिए कि सूर्य बुध दसवें घर में है, शुभ हालात में है नहीं है, तो सूर्य की रेमेडी करे जा रहे हैं, बुध की रेमेडी करे जा रहे हैं, मगर सूर्य बुध की रेमेडी से ज्यादा जरूरी किसकी है? जिसके घर में बैठे हैं उसकी रेमेडी। तो यहाँ पर शनि को चेक करना है, शनि कुंडली में कहीं भी हो उसके लिए जो रेमेडी बताई गई है उस रेमेडी को फॉलो करना है। तो यहाँ पर ये युति अपने आप ही शुभ फल देना प्रारंभ कर देगी। अब सूर्य बुध की कब करनी है? सूर्य बुध की तब करनी है जब 1 और 2 के अंदर अगर सूर्य के शत्रु ग्रह यानी कि राहु केतु शुक्र इत्यादि बैठे हुए हों, तब इनका खुद का फल खराब हो रहा है। अब इनका अपनी वजह इन कारणों से फल खराब हो रहा है, तो सूर्य और बुध की युति करेंगे आप, दोनों की सेपरेट सेपरेट कर लीजिए जो दसवें घर के संबंध में बताई गई है। मगर अगर 1 और 2 खाली है तब आपने शनि की कंडीशन को चेक करना है और शनि के अकॉर्डिंग रेमेडी करके इस युति के शुभ फल प्राप्त कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर युति काफी ज्यादा धन की प्राप्ति कराती है। अब अगर कुंडली में शनि कहीं भी है, खराब है, अशुभ है, तब बदनामी में मशहूर होगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति के समाज के अंदर काफी ज्यादा बदनामी देखने को मिलेगी।
और अपने काम अपने आप ही बिगाड़ता होगा। इलेवेंथ हाउस, अब इलेवेंथ हाउस भी शनि का ही घर है, मगर इस घर के कारक कौन है? बृहस्पति देव। दसवें घर के मालिक शनि देव थे, कारक भी शनि देव थे, मगर इलेवेंथ हाउस के कारक बृहस्पति देव हैं और मालिक शनि देव हैं। अब शनि किसके हैं? बुध के मित्र, और बृहस्पति क्या है? सूर्य के मित्र। तो यहां पर जद्दी मकान में अच्छे लोग, जद्दी मकान क्या है? बृहस्पति की चीज, बृहस्पति यानी कि बाप दादाओं का जो मकान है उसे जद्दी मकान बोलते हैं। बाप दादा क्या है? बृहस्पति। तो जद्दी मकान यानी कि बृहस्पति और मकान किसका है? शनि का। तो इलेवेंथ हाउस के अंदर इसलिए क्या कहा गया है कि जद्दी मकान, मकान शनि का हो गया और जद्दी यानी कि बृहस्पति, बृहस्पति शनि के मिक्स के कॉम्बिनेशन का वो क्या कहेंगे? जद्दी मकान। तो जद्दी मकान के अंदर अगर अच्छे लोग रहते हो, क्योंकि इलेवेंथ हाउस के अंदर कोई भी प्लैनेट हो तो वो कब शुभ फल देगा? जब वो मांस और मदिरा का सेवन ना करता हो, क्योंकि इलेवेंथ हाउस पे विशेष प्रभाव किसका रहता है? अधिकार किसका रहता है? शनिदेव का। 11 नंबर की राशि आती है कुंभ राशि। तो यहाँ पर शनिदेव क्या कहते हैं कि मदिरा मांस का सेवन ना करो। तो यहाँ पर शनिदेव जो भी प्लैनेट बैठा होगा वो शुभ फल देगा, और अगर ऐसा व्यक्ति मदिरा मांस का सेवन करता होगा तो यहाँ पे बैठे प्लैनेट को वो शुभ फल देने देंगे, उसके फलों को खराब ही कर देंगे। तो यहाँ पर जद्दी मकान के अंदर अगर आपका पुश्तैनी मकान में जो भी लोग रहते हैं रेंट पे दे रखा हो या आपके परिवार के कोई लोग रहते हो, वो अगर मदिरा मांस का सेवन करते होंगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा अशुभ हालात देखने को मिलेंगे। और अगर वो अच्छे लोग होंगे यानी कि मदिरा मांस का सेवन नहीं करते होंगे, धर्म की पालना करते होंगे, ईश्वर विश्वास रखते होंगे, तब यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के भाग्य हरदम बढ़ता जाएगा। ट्वेल्थ हाउस की बात करते हैं। अब ट्वेल्थ हाउस किसका है? ट्वेल्थ हाउस जो है आपका मीन राशि बृहस्पति का अपना घर है। वैभव आपका शैया सुख का भाव, हमारे रात के आराम का भाव, साथ ही शुक्र यहाँ उचके होते हैं। अब इस घर के अंदर सूर्य देव को शुभ माना गया है और बुध को काफी ज्यादा अशुभ माना गया है। बुध 3, 8, 9, 12 में अशुभ फल देता है। अब 12वें घर के अंदर बुध आके अशुभ फल देता है, पर 12वें घर के अंदर के लिए क्या गया है कि दोनों का अपना अपना फल होगा। अब दोनों का जब अपना अपना फल होगा तो सूर्य 12वें घर में शुभ फल देगा मगर बुध अशुभ फल देगा। मगर यहां पर बुध अशुभ फल तो देगा मगर सूर्य के फलों को किसी तरह खराब नहीं करेगा। और सूर्य क्या है? हमारा पूरा शरीर यानी कि व्यक्ति के शरीर पर किसी तरह का कोई बैड इफेक्ट नहीं देगा। दूसरा, सरकार के संबंध में किसी प्रकार की दिक्कत यानी कि सूर्य के फल को किसी भी तरह से खराब नहीं करेगा। तो व्यक्ति के शरीर पे और सरकार संबंध में किसी प्रकार के अशुभ फल देखने नहीं मिलेंगे। अशुभ फल कब देखने को मिलेंगे? यहां पर अब दोनों का अपना अपना फल, मगर बुध अब सूर्य का बुरा असर न देगा, बशर्ते ऐसे व्यक्ति के जिस्म पर सोना कायम हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति सोना अवश्य पहनता हो शरीर पर, क्योंकि सोना क्या है? बृहस्पति। तो यहाँ पर सूर्य जो है बृहस्पति का सपोर्ट जब ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति घर में बैठा है, तो बृहस्पति का जो सपोर्ट ऐसे व्यक्ति लेके रखेगा, शरीर क्या है? सूर्य, उस पर सोना क्या हो गया? बृहस्पति। तो सूर्य बृहस्पति का जब कॉम्बिनेशन बना रहेगा काफी ज्यादा शुभ फल मिलेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जिस पर सोना कायम रखे, अब बुध के लिए क्या करना है? चलो सूर्य के लिए तो बृहस्पति को कायम कर लिया, बुध के लिए क्या करना है? बुध 11 का दिया हुआ उपाय मददगार होगा। अब बुध 11 के लिए उपाय बताया था, गले में तांबे का सिक्का डालना, गले में तांबे का छेद वाला सिक्का पहनना चांदी की चैन में, ये काफी ज्यादा शुभ फल देगा। इसके साथ ही अब बैड कंडीशन, अब यहां पर सूर्य बुध की युति हो, ये और भी ज्यादा अशुभ हालात में कब आ जाएगी? जब 8वें घर में, 6ठे घर में, सेकंड हाउस के अंदर आपका शत्रु ग्रह बैठे हुए हो, तब ऐसे में दृष्टि आदि होने पर गृहस्थी के हालत पर बुध की चीजें क्या है? बहन बेटी बुआ इत्यादि पर बिना बात के खर्चे होते होंगे, और ऐसे में किसी न किसी परेशानी में ऐसे व्यक्ति घिरा रहेगा। शारीरिक नुक्स भी हो सकते हैं शरीर में किसी न किसी प्रकार की, क्योंकि जब यहाँ से अशुभ दृष्टियां जाएंगी तो सूर्य के फल को इफेक्ट करेंगी, तो शरीर में बॉडी में किसी न किसी प्रकार के नुक्स हो सकते हैं। साथ ही व्यक्ति के शरीर में नसों से संबंधित, और बुध क्या है? दिमाग,
तो दिमाग के नसों में किसी ना किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, ऐसे व्यक्ति को मिर्गी के दौरे इत्यादि देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे हालात देखने को मिलेंगे। बुध बुध अब खान नंबर 6, यहाँ पे अगर छठे घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है उसकी दृष्टि जारी है। अब यहां से दृष्टि कहा जाती है 12th हाउस पे, मगर बुध उल्टी दृष्टि से छठे घर के ग्रहों को भी बर्बाद कर देगा, क्योंकि बुध कुंडली का सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रह है। तो यहां पर करना क्या है कि बुध के लिए रेमेडी कर लेनी है, बृहस्पति को ठीक रखना है। बृहस्पति को ठीक कैसे रखना है, बृहस्पति कुंडली में आप ही कहीं भी हो तो यहां पर एक चीज आपको समझ में आई होगी कि कोई भी प्लैनेट कुंडली में कहीं भी बैठा हुआ हो, चाहे 2 के कॉम्बिनेशन में हो या अकेला बैठा हुआ हो, तब आपने सबसे पहले जिस भी हाउस में वो बैठा हुआ है उस हाउस के मालिक और कारक कैसी कंडीशन में है उन्हें ठीक कर लेना है। इसके साथ ही उसके दूसरे रिजल्ट को देखने के लिए जो प्लैनेट के आपको रिजल्ट को फाइंड आउट करना है, यानी कि वो सपोज कीजिए सूर्य है, ये आपका बुध ही है, अब बुध कुंडली में कहीं बैठा हो तो उसके मालिक कारक को ठीक कर लें। फिर बुध के जो मसनूही पार्ट हैं बृहस्पति राहु, उनको भी चेक कर लें, उनको ठीक कर लेंगे तो बुध का रिजल्ट आएगा। साथ ही बुध का उस हाउस के संबंध में क्या रेमेडी बताई गई है उन रेमेडीज को कर लें, और जो प्रिकॉशन बताई गई है कि आपको नॉन वेज नहीं खाना, पक्षियों की सेवा करनी है, बहन बेटी बुआ का आदर मान सम्मान करना है, उन्हें मिठाई इत्यादि देकर विदा करना है, तो ये सब काम छोटी कन्या 10 साल से कम उम्र की छोटी कन्याओं की सेवा करनी है, तो ये सब काम आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने प्लैनेट को ठीक रख पाएंगे, क्योंकि रेमेडी से ज्यादा प्रिकॉशन काम करती हैं। अब जैसे एग्जांपल समझिए, अभी कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा था, तो कोरोना के टाइम पीरियड में मेडिसिन ज्यादा काम कर रही थी या प्रिकॉशन ज्यादा काम कर रही थी? जो लोग घर में पैक थे, घर से बाहर ही निकल रहे थे, उन्हें कोरोना कहां से होगा, चांसेस होने के काफी कम थे, ठीक है ना। अब जो लोग खुलेआम बाहर घूम रहे थे तो उनके कोरोना होने के चांसेस बढ़ गए, तो वहां पे रेमेडी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपने प्रिकॉशन नहीं ली तो रेमेडी करने की जरूरत पड़ेगी, मगर प्रिकॉशन ही ले ली तो आपको रेमेडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो रेमेडी से पहले प्रिकॉशन जो बताई जा रही है आपको, उन प्रिकॉशन को समझिए, उनको फॉलो कीजिए, तो निश्चित तौर पर आप इस युति के सुफल ले पाएंगे। तो यहां पर करना क्या है, अब आपने सूर्य जनरल, सूर्य घर से निकलते हुए मीठा खा के पानी पी के निकलना है, दूसरा पक्षियों को डेली आपने कुछ ना कुछ खाने को डालना है, चिकन का सेवन बिल्कुल नहीं करना, और साथ ही जिस भी हाउस में युति हो उस हाउस के अकॉर्डिंग जो प्लैनेट है उनको ठीक कर लेना है। मंगल घर में बैठे हैं तो मंगल को शुभ रखना है, बृहस्पति घर में बैठे तो बृहस्पति को शुभ रखना है, चंद्र घर में बैठे तो चंद्र को शुभ रखना है, शुक्र घर में बैठे तो शुक्र को शुभ रखना है, यही जानकारी दी है आपको। तो यहाँ पर आज हमने बात करी सूर्य और बुध के कॉम्बिनेशन के बारे में, जो सबसे ज्यादा कुंडली में देखने को मिलते हैं, बुध आदित्य योग, बहुत नाम सुना है मगर उसके रिजल्ट कितने खतरनाक भी हो सकते हैं आज उसकी बात करी है। दूसरा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसकी बात करेंगे, सूर्य और शनिचर के कॉम्बिनेशन के बारे में। दोनों आपस में कट्टर शत्रु हैं, और सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन कुंडली बना होता है तो मंगल बध की कंडीशन अप्लाई हो जाती है, और मंगल बध जब कुंडली बनता है तो अकेला 5 ग्रह के फलों को खराब कर देता है। वो आपको मंगल बध के टॉपिक बताया था कि चंद्रमा के फल को, शुक्र के फल को, बुध के फल को, केतु के फल को, राहु के फल को, राहु कुंडली में कहीं भी हो खराब फल ही देगा, नीच का फल देगा। अगर मंगल बध बन गया और राहु जब नीच का फल देता है तो वो अपना टाइम पीरियड आने पर बहुत बुरे हालात पैदा कर देता है, और साथ ही मंगल बध, तो यहाँ पर मंगल बध वाली जो कंडीशन है वो सबसे ज्यादा खराब कंडीशन है। तो यहाँ पर सूर्य और शनि की युति कुंडली के साथ ही सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन जब कुंडली में कहीं भी बनता है तब ऐसे में बाप बेटे के झगड़े में कहा गया है शुक्र मारा जाता है, वो सेक्रीफाइस ऑफ प्लैनेट के नाम से एक वीडियो हमने बनाई थी अभी कुछ दिन पहले, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, सेक्रीफाइस ऑफ प्लैनेट यानी कि ग्रह की कुर्बानी, ग्रामर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कुंडली के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे प्लैनेट बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हुए हैं मगर उनके रिजल्ट खराब क्यों मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट के फल को खराब कर रहा है, किसकी बलि दे रहा है, तो सबसे ज्यादा मार मैंने वहां पर बताई थी कि पड़ती है केतु पर, तो 90% कुंडलियों में केतु खराब देखने को मिलता है।
तो यहां पर सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन शुक्र के फल को खराब करेगा, मंगल को बध करेगा। तो काफी ज्यादा खराब कॉम्बिनेशन, सभी कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा खराब कॉम्बिनेशन कहा गया है। तो बात करेंगे सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन कुंडली के 12 ही ग्रहों में किस तरह का अशुभ फल देगा, हर हाउस में जाकर किस तरह के फल देगा और क्या ये कॉम्बिनेशन शुभ फल भी दे सकता है और कैसे इसके शुभ फल लिए जा सकते हैं, रेमेडी प्रिकॉशन क्या करनी है उसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।